उन्होंने बॉलिंग की है, आप बुमराह को छोड़ें, आउटस्टैंडिंग स्विंग हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, उसके बाद सिराज को भी छोड़ दें, रिस्ट स्पिनर अब कुलदीप है और मेरा ख्याल एक शमसी है, दो हैं दुनिया में इस वक्त जो खेल रहे हैं। आज सारा जितने भी बैटर्स खेले हैं, शायद ऊपर वाले बैटर्स आउट हो गए, लेकिन जितने भी बैटर्स उसको खेले वो पिक नहीं हुआ। प्लेयर्स को लेके आए हैं, लास्ट वर्ल्ड कप में जसप्रीत नहीं थे, एक साल के बाद आए, उन्होंने वो पकड़ाई में नहीं दिए, बॉलिंग बल्ले ठीक है, नाइट का फैक्टर था वो अलग बात है, लेकिन कुलदीप ने जब बॉलिंग की है ना वो ये विनिंग फैक्टर है। ऑर्थोडॉक्स हो जाए या ऑफ स्पिनर हो जाए या राइट आर्म लेग स्पिनर, इसको आप पकड़ ही नहीं सकते। जो बात की ना शमसी की या बात की कुलदीप की, तो ऐसे टीम में अब आपको बीच में आउट करने हैं ना, उनको बीच में ही लेके आए। इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 टीम खेल रही है, आउट क्लास कर दिया। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया के जो बॉलर्स थे, खासतौर पर बुमराह के आने के बाद उनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त हो गया। उनके स्पिनर्स हैं क्या जबरदस्त तरीके से, क्या नाम है, दिलीप कुलदीप यादव, कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, उसने विकेट टू विकेट, उसने टर्न भी किया, उसने कॉन्फिडेंस के साथ, वो बड़ी हिट खाने से भी नहीं डर रहा था, तो आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। तो उनकी बॉलिंग, बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है वो पिच को इतना जबरदस्त यूटिलाइज किया, उनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, एशिया कप 2023 के सुपर 4 के अपने दूसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को 41 रनों से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बात करें अगर मैच की, तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 213 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 172 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत को 41 रनों से जीत हासिल हुई। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 53 रनों की पारी खेली। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो अगर हम यूं कहें कि आज का मैच पूरी तरह से बॉलर पर डिपेंड था, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा जडेजा ने 2, बुमराह ने 2, 1 विकेट पांड्या और 1 विकेट सिराज ने अपने नाम किया। भारतीय बॉलर्स की इन शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहा है। बात की कुलदीप की, तो ऐसे टीम में अब आपको बीच में आउट करने ना, उनको बीच में ही लेके आए। बीच में आउट करने के लिए आपको बाय करनी, इनकी जो पेस है ना कम है, ये 82, 81 इनको बोलते हैं तेज करो, लेकिन क्या है स्लो करते हैं, लेकिन रीड ही नहीं हो रही है। आपको रीड ना होने की एक वजह हो सकती है, जो मैंने बात की थी, रात में रीड नहीं होती है, दिन में शायद रीड हो जाए इनकी, लेकिन अक्सर दिन में भी नहीं होती, क्योंकि मुश्किल बॉलर है, इतने आसान बॉलर नहीं, क्योंकि मुश्किल बॉलर है, आसान बॉलर नहीं है। बात इंडियन बॉलर्स की बात करें तो स्विंग से ज्यादा उनका फोकस था ऑन द लेंथ, the length that we will use, whether shorter length, whether full length, मगर length पे focus करना था। 6 to 7 यार जो होता है क्रिकेट की पिच का, जो हम length बताते हैं, वो उस length के ऊपर पांड्या से लेके, सिराज से लेके, बुमराह से लेके सारों ने उधर की। और जैसे शायद ने कहा उनके स्पिनर आए हैं, तो जडेजा और कुलदीप ने आके सिर्फ पिच को इस्तेमाल किया, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। और उन्होंने हर दूसरे ओवर में फील्डरों से खेल रहे थे, कभी मिड विकेट ऊपर बुला लेते थे, कभी फाइन लेग 45 को निकाल लेते थे। अब ये सारा सिनेरियो तब होता है जब मेंटली यू नो योर गेम प्लान। यहाँ पे 220 रन करना मुश्किल हो जाते हैं आपको, क्योंकि सेकंड टाइम पे होता क्या है कि यहाँ पे जब अंडर लाइट्स ना, बारिश हुई होती है, मॉइस्चर ना पिच को और थोड़ा स्किड करना शुरू कर देता है, बॉल और अनइवन हो जाता है। स्पिन देखा ना जडेजा का, एक स्पिन कैसा हुआ है, फास्ट बॉलर ने स्पिन किया है, और उनकी पेस स्पिनर्स की देखिएगा, एंड द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी 90+ से पेस बॉल कर रहे थे, 90+ से। जडेजा की भी पेस आप उठा के दें, कुलदीप की उठा के देखें, आई वाज नोटिसिंग द पेस। ये सारी चीजों का एलिमेंट अगर निकाला जाए ना, and give a credit to India, they played absolutely awesome game. स्कोर और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है स्पिनर्स के अगेंस्ट, अगर अच्छे स्पिनर हो तो ऐसा ही होता है, जो कमी हमें मिस हो रही थी। साथ साथ आपको यहाँ ये बता दें कि 10,000 रन मुकम्मल हो गए रोहित शर्मा के, 6ठे इंडियन हैं, 15वें ओवरऑल। और यूनुस, आपसे शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा की बात करते हुए। मेकशिफ्ट ओपनर एक डिसीजन कैसे लाइफ बदल देता है। 2012 के एंड तक 81 मैचेस इनके, जिसमें 30 का एवरेज और सिर्फ 2 सेंचुरियां। जैसे ही ये ओपनर बने जैन 2013 के बाद से 8000 रन एज ओपनर हैं इनके और इनकी 3 डबल सेंचुरियां हैं। और क्या लाइफ बदली है रोहित शर्मा के लिए, आज 10,000 रन भी मुकम्मल हो गए, कैसा देखते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। 10,000 रन करना अपने कंट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने इसलिए कहा ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10,000 रन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कॉन्सेंट्रेशन है। उसके बाद आपकी स्किल्स, आपके नर्व्स बार बार चेक हो रहे होते हैं। और जिस तरह रोहित शर्मा पे इस वक्त कैप्टन भी है टीम के, तो मेरे ख्याल से ऐसी टीम को लीड करना जहाँ पे आपने फ्रंट से ही लीड करना है, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और फिर अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो फिर आपसे बहुत सारे सवालात भी होते हैं। आपको पता है कि जैसे ही हमारे अपने कंट्री में बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते और हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे यही है कि वो हर मैच में आएंगे और 100 रन करेंगे और मैन ऑफ द मैच होंगे और आप अपनी टीम को जिताओगे। मेरे ख्याल से अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हैं और अभी उनकी क्रिकेट अभी बाकी है, तो मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार रन और उनकी तरफ से हम देखेंगे। कामरान, रोहित शर्मा के 10,000 रन मुकम्मल होने पर उनकी अब तक की परफॉर्मेंस, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, फॉर्म में आए, पाकिस्तान के गेम में भी 50 किया, यहाँ पे भी 50 किया, कैसा देख रहे हैं? देखिए, पहले आज की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की है और बड़ा इंटेंट दिखाया और दिखाया एक्सपीरियंस प्लेयर और बड़ा प्लेयर कैसे मैच को लेके चलता है, पावर प्ले कैसे यूटिलाइज करता है। दूसरा, 10,000 रन करने पे मुबारकबाद, ऐसा प्लेयर डिजर्व करता है करना, जो एक प्रोसेस के साथ आया हो। 2007 में T20 वर्ल्ड कप में आया तो उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन टीम के जो प्लेयर्स थे वो कह रहे थे जब ये खेलेगा ना, सेटल होगा तो पता चलेगा दुनिया को ये क्या प्लेयर्स है। उस टाइम के प्लेयर्स जो कह रहे थे सही बात। और आया 6-7वें पे था। एक MS धोनी ग्रेट कप्तान इंडिया का, ओवरऑल ग्रेट कप्तान, टॉप 2 में कहें तो MS धोनी उस टॉप 2 में आता है। ऐसा प्लेयर्स है जो प्लेयर्स बना के गया, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए उस कप्तान को भी जिसने डिसीजन लिया, ओपन करवाई। आज 10,000 रन, मेरे ख्याल से उंगलियां कम हो जाएंगे, इंडियन प्लेयर इतने आ जाएंगे 10,000 रन करने वाले। ये चीज देखें कि बिल्कुल सही, अपने प्लेयर्स को कैसे वो ब्रांड बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है, स्पेशली भारतीय बॉलर्स की। बताते चले कि आज का मैच पूरी तरह से भारतीय बॉलर्स पर डिपेंड था। इफ इन केस अगर भारतीय बॉलर्स आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो हो सकता है कि भारत यह मैच हार भी सकता था, क्योंकि भारत के बल्लेबाजों ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और भारत की पूरी पारी 213 रनों पर सिमट गई। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करने के बाद कुलदीप यादव ने यहां भी शानदार बॉलिंग की और 4 विकेट अपने नाम किए। बताते चले कि कुलदीप यादव एक मिस्ट्री बॉलर हैं और उन्हें समझ पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है। कुलदीप यादव पिछले 1-1.5 सालों से शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वो बीच में इंजरी का शिकार हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से शानदार कमबैक किया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि भारत के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने भी आज शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाया। बताते चले कि रविंद्र जडेजा भारत के लिए 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं। वो फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। आज भारत को सबसे ज़्यादा जरूरत थी बॉलिंग में और एक बार फिर से रविंद्र जडेजा ने शानदार बॉलिंग की और 2 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा भारत के फास्ट बॉलर्स यानी कि जसप्रीत बुमराह और सिराज ने भी शानदार बॉलिंग की। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही 2 विकेट लेकर श्रीलंका को बैकफुट पर ढकेल दिया था। कुल मिलाकर एक बार फिर से भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया है। बताते चले कि इफ इन केस अगर भारत यह मैच हार जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप से बाहर हो जाती, लेकिन अब पाकिस्तान टीम के पास चांस है कि वह श्रीलंका को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत के साथ कौन सी टीम फाइनल में भिड़ेगी। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।